दोस्तों आप तस्वीरें देख सकते हैं, बहुत ही दुखद तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से आ रही हैं, जहां 22 वर्षीय नवजीत की हत्या कर दी जाती है। जी हां, आपस में ही कुछ बातचीत हुई किसी दोस्त की, और किसी दोस्त के साथ वहां पर उनके घर सामान लेने गया था नवजीत, और ये गाड़ी में बैठा हुआ था, और इसके ऊपर चाकुओं से 3 वार कर दिए जाते हैं, जिसके बाद नवजीत मौके पर ही दम तोड़ देता है। हालांकि अभी 1.5 साल पहले ही स्टडी वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया गया था, परिवार ने अपना सब कुछ लगाकर उसे ऑस्ट्रेलिया भेजा, जिसके बाद आप देख सकते हैं परिवार में मातम का माहौल है, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, और किस तरह से अपने ही किस तरह से अपनों को विदेश में अब निशाना बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि उसका कोई भी कसूर नहीं था, बताया जा रहा है कुछ भी लेना देना नहीं था, हालांकि जो लड़के के साथ सामान लेने गया था उनकी कोई आपस में कहासुनी चल रही थी, जिसके चलते हुए निशाना नवजीत बन जाता है। 22 वर्षीय नवजीत इकलौता परिवार का बेटा था, और किस तरह से देखिए वो निशाना बन जाता है। मेरी आप सभी से अपील है, हाथ जोड़ इस वीडियो को आपने इतना शेयर करना है ताकि परिवार की मदद हो सके। परिवार का कहना है कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, जो भी था बेटे को 1.5 साल पहले ऑस्ट्रेलिया भेज दिया था वो सब लगा दिया हमने, पर अब वहाँ से बॉडी मंगवाने के लिए भी पैसा परिवार के पास नहीं है। आप सभी से निवेदन, हाथ जोड़ रहेगा इस वीडियो को शेयर करें। देखिए परिवार के लोग किस तरह से रोते हुए आपको तस्वीरों में ज़रूर नज़र आ रहे होंगे। मातम का माहौल जो है वो पूरे गाँव में छा जाता है। गाँव गगसीना का रहने वाला था नवजीत, 22 वर्षीय उसकी उम्र बताई जा रही है, और फिलहाल अभी 1.5 साल पहले ही परिवार ने उसे ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़े पर भेजा था। और फिलहाल आप देखिए तमाम परिवार के लोग यहाँ पर बैठे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास ज़रूर किया जाएगा। फिलहाल परिवार का यही कहना है कि हमारे बेटे की जो बॉडी है वो यहाँ पर इंडिया आ जाए, और अपील यही की जा रही है भारत सरकार को कि जल्द से जल्द हमारे बेटे को ऑस्ट्रेलिया से इंडिया लाया जाए। और फिलहाल देखिए किस तरह से उसकी हत्या की गई। नवजीत के पिता हैं हमारे साथ, उनसे एक बारी पूरी बातचीत जान लेते हैं। ये बिजने का श्रवण कुमार था, और वो 3 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया गया था, और वो नवजीत के पास आ जाता था कई बार। उसके बाद उसने जहाँ वो पहले रह रहा था वो बस्ताड़े के थे, अभिजीत और पंकज, तो उनसे उनकी शरण कुमार की लड़ाई जो बिजने गांव का है, तो उनकी कोई आपस में पहले क्या सुनी हुई या क्या था, तो फिर ये उसके पास आया, वो बोला कि मेरा सामान उठवा के लिया, तो वो सामान उठवाने के लिए गया था, और उनकी आपस में हाथापाई हुई। नवजीत गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, और गाड़ी में बैठा हुआ था, उसकी सीट बेल्ट लगी हुई थी, उसने हार्ट के ऊपर 3 वार किए बस्ताड़े वालों ने। तो इसका कोई लेना देना नहीं था, इसका कोई लेना देना नहीं था, ना कोई इसका रोल था, सिर्फ उसका सामान उठाने के लिए गया था वो। तो पहले उनकी कोई आपस में कहा सुनी हुई, उनकी पहले कोई आपस में होगी तो उसका मुझे पता नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ सरकार से गुजारिश करता हूँ, मेरे बच्चे को मेरे पास सौंपे, ये मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। हमारा तो इकलौता बेटा था, हमारा तो मेरा इकलौता बेटा था, मेरा इकलौता बेटा था। मेरी सरकार से गुजारिश है, मेरे सबसे मेरी गुजारिश है, मेरे बच्चे का को इंडिया पहुंचाया जाओ किसी तरीके से, उनको आखिरी बार दर्शन कर ले। कब गया था नवजीत? 9 नवंबर की उसकी फ्लाइट थी, 10 नवंबर को गया था 2022 में। तो वहाँ पर स्टडी बेस पे गया था। ऑस्ट्रेलिया के कहाँ था? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में था वो, और मेलबर्न के वो जो नवल पार्क है एरिया, उस नवल पार्क में रहता था वो। तो वो जो मारने वाले हैं वो अपने हरियाणा के, वो हरियाणा के बस्ताड़ा गांव के हैं, डिस्ट्रिक्ट करनाल बस्ताड़ा गांव। और कोई आपसी नवजीत की कोई रंजिश नहीं थी, वो शरण कुमार है जो भी जनेगा, उनकी और बस्ताड़े वाले की कुछ आपस में क्या सुनी हुई होगी, क्या मामला है वो खुद ही जानते हैं। तो क्या उनके परिवार से हुई की बातचीत? नहीं, हमारे से कुछ कांटेक्ट नहीं किया। घटना की सूचना कब मिली आपको? रात को 2 बजे मिली। किसके माध्यम से? ये किसी हरियाणा वाले ने दी है? हाँ, वो इनका लड़का था, उन्होंने खबर दी है। और एक लड़का यहाँ का है, वो बड़ा गाँव का, और वो लंदन रहता है। कन्फर्म सुबह हुआ बिजना गांव में गए, जहाँ पे एक लड़का और उनके साथ था, वो 3 लड़के थे हमारे नवजीत के साथ, 2 लड़के थे साथ में गए थे। श्रवण कुमार का पहले से ही झगड़ा उनके साथ चला हुआ था,
उन्होंने रात को फ़ोन किया, वो खाना बना रहे थे, रात को फ़ोन किया भाई अपना सामान ले जाओ उठा के। श्रवण कुमार ने महेंद्रप्रीत को कहा अगर भाई मेरा सामान लेके आना है साथ चलो गाड़ी लेके। वो गाड़ी लेके उनके साथ चला गया, वो ना उनको जानता था ना पहचानता था, बस साथ गया था। और जैसे ही वो सामान बाहर लेके आए, वो गाड़ी में बैठा इंतजार कर रहा था, उनके उसके साथ आते ही वह चक्कू घोंप दिए उसकी छाती में। अब सरकार से यही प्रार्थना है कि भाई हमारे लड़के की डेड बॉडी जल्द से जल्द हमें वापस कर दी जाए। और पहले ही बहुत दुखी परिवार है, भाई ने अपना सब कुछ लगा के 1.5 साल पहले बच्चे को भेजा था। अब यही प्रार्थना है भाई जितनी भी हेल्प कोई भी करे उससे भी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है भाई हमारी हेल्प करे। जो लड़के वहाँ बैठे हैं कोशिश करें कि भाई हमारा लड़का जल्दी से